क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है? क्या कभी आपने अपनी लाइफ में इतने बड़े चैलेंज फेस किए हैं कि आपको फिर समझ ही नहीं आते कि आप करेंगे क्या? अगर ऐसा है तो इस बुक में ये बताया गया है कि आप इसको कैसे डील करेंगे। द ऑब्स्टिकल इज द वे बाय रायन हॉलिडे। अगर आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगा दे और आपको जेल में फेंक दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? और यूएस के एक बहुत फेमस बॉक्सर थे रूबन कार्टर, जिनको 1960s में ट्रिपल मर्डर के लिए जेल में फेंक दिया गया, जो उन्होंने एक्चुअली में किए नहीं थे। अगर उनकी जगह कोई और होता है इस सिचुएशन में तो उसका तो दिमाग ही खराब हो जाता और उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता, लेकिन रूबन कार्टर ने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने लॉ के बारे में पढ़ाई की और 19 साल के बाद उन्होंने अपने आप को जेल से छुड़ा लिया। अब आप ये सोचिए कि उन्होंने जेल से निकलने के बाद क्या किया होगा। एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? वो शायद कोर्ट में जाके बहुत ज़्यादा कंप्लेन करेगा, वो पूरी मीडिया में अपनी कहानी बताएगा, वो पूरी दुनिया में चिल्लाएगा कि देखो मेरे साथ कितनी गलत बात की गई है। लेकिन रूबन कार्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बस अपनी लाइफ कंटिन्यू करी और एक नई शुरुआत लाए। रूबन कार्टर का ये मानना था कि अगर वो इसके अलावा कुछ और करते और या कंप्लेन करते या किसी को बताते या रोते इसके बारे में, तो इसका ये मतलब होता कि उनको लाइफ में कुछ ऐसा दिया गया है जो वो डिजर्व नहीं करते हैं। ये सोचते थे और उनकी ये फिलॉसफी है कि लाइफ में जो भी हो किसी के साथ भी, वो सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी चाहिए, चाहे जितनी भी बुरी हो। और यही फिलॉसफी एंशिएंट स्टोइक्स की भी है। और जो लोग इस तरीके से सोचते हैं वो पूरी दुनिया बदल देते हैं। इस बुक में स्टोइसिज्म के बारे में ही लिखा गया है। सिंपल वर्ड्स में स्टोइसिज्म का मतलब है कि आपको अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल हो। रैंडी पॉश, जिन्होंने द लास्ट लेक्चर लिखी है, उन्होंने ये कहा था, द ब्रिक वॉल्स आर देयर फॉर अ रीजन। हमारी लाइफ में दीवारें इसलिए नहीं खड़ी होती हैं ताकि हम बाहर रहें, वो दीवारें इसलिए हैं ताकि हम लाइफ को दिखा सकें कि हमें एक्चुअली में कितने आगे जाना है और हम उन दीवारों को तोड़ दें। इस बुक को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, परसेप्शन, एक्शन एंड विल। पहला पार्ट है परसेप्शन। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ में हर चीज को उसकी प्रॉपर जगह में रखना होगा। अगर आपके साथ लाइफ में कुछ बुरा होता है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार मेरे साथ तो कुछ बुरा हो गया। आपको ये सोचना चाहिए कि कुछ इससे ज़्यादा भी बुरा हो सकता था। अगर आपकी जॉब चली गई तो एटलीस्ट आपके पास बैंक में कुछ ना कुछ सेविंग्स होंगी। अगर आपका पैर टूट गया तो आप ये सोचिए कि एटलीस्ट आपकी जान बच गई। और अगर आपको अपना घर गिरवी रखना पड़ा है तो एटलीस्ट आपकी हेल्थ सही सलामत है। आप समझ रहे हैं ये कैसे सोचा जा रहा है? आपको अपने इमोशंस पे कंप्लीट कंट्रोल लाना होगा और हमेशा चीजों को पर्सपेक्टिव में रखना होगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आएगी तो आपको उसको सीधा टैकल करना होगा। आपको आपके रास्ते से कुछ भी नहीं हटा सकता। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कुछ बहुत ही बुरा हो जाए आपकी लाइफ में तो आपको बुरा तो लगेगा ही। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को कुछ हो गया या गॉड फॉरबिड किसी की डेथ हो गई तो आपको दुख तो होगा ही होगा। लेकिन इस फिलॉसफी का यही मतलब है कि जब आप वापस आएंगे लड़ने तो आप उससे 10 गुना और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अब स्टोइसिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में कभी रो ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कंट्रोल में रहेंगे कि आप एक्चुअली कब रोएं, और रोने के बाद आप और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। स्टीवन आर कवी ने अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ये कहा है कि ओनली पे अटेंशन टू योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जो भी है उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। What doesn't kill you makes you stronger। और इस बुक का सेकंड पार्ट है एक्शन। आपकी लाइफ में जो भी मेंटल और फिजिकल बैरियर्स आएंगे आपको उनको खुद ही से तोड़ना होगा। चाहे आप यूट्यूब पे कितने वीडियोस देख लीजिए और जितनी किताबें पढ़ लीजिए, जब तक आप बाहर जाके मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। आपको किसी भी बुरी चीज को अच्छी सिचुएशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। माना कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, रेसिज्म, सेक्सिज्म, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लेकिन इसके बारे में रोने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिले लाइफ में आपको सबको हाँ बोलना होगा, और आपकी लाइफ में जो भी मुश्किलें आए उनसे आपको प्यार करना होगा। ऑथर के वर्ड्स में, स्टॉप लुकिंग फॉर एंजल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर एंगल्स। आप दुआएं करना कम करिए और अपना काम करना ज्यादा बढ़ाइए। और आपको एक और चीज याद रखनी होगी कि प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है।
और अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको उसका एंड रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। आजकल बहुत सारे लोग YouTube चैनल्स बनाने लगे हैं और फिर वो रोते हैं कि उनके सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या वो एक्चुअली में उतना काम कर रहे हैं जिससे उनको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। आप लोगों ने शायद प्यूडीपाई के बारे में सुना होगा, जो अभी यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। प्यूडीपाई के पास सिर्फ 2500 सब्सक्राइबर्स थे जब उसने 100 वीडियोस अपलोड किए थे। तो आप खुद ही से देख सकते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, 100 वीडियोस बनाने के बाद भी उसको इतने रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तब भी वो मेहनत करता चला गया और आज वो सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया है। और आप जो भी करने की सोचिए उसको पूरे मन से सही तरीके से करिए। आजकल लोग यही सोचते हैं कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग ने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया था तो मैं भी कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लूंगा और कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। ये सोचने का तरीका गलत है। अगर आप कॉलेज से ड्रॉप आउट करेंगे, आपको पूरी मेहनत ही नहीं, आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी होगी अपनी लाइफ में वो चीजें अचीव करने के लिए जो बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग ने की हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज जाते हैं और आप वहां पे पढ़ाई करते हैं तो तब भी आपको पूरी तरीके से मेहनत करनी चाहिए और जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो करना चाहिए। किसी भी चीज को आधी अधूरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज करिए तो पूरी जान लगा के, पूरी मेहनत के साथ करिए। और इस बुक का लास्ट पार्ट है विल। विल आपकी दिमाग की इंटरनल पावर है। उसका मतलब है कि आप किसी भी चीज को कितना झेल सकते हैं। और विल पावर होने के सबसे अच्छे एग्जाम्पल थियोडोर रोजवेल्ट हैं, जो यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। थियोडोर रोजवेल्ट जब पैदा हुआ था तो उनको एक बहुत बुरी लंग डिजीज थी। उनकी बॉडी बहुत वीक थी और वो इंटेलिजेंट और अमीर होने के बावजूद कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने इस चीज से हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे से ही डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी बॉडी को फिर से स्ट्रांग बनाऊंगा। उन्होंने एक जिम ज्वाइन कर लिया और वो अपनी लंग कैपेसिटी पे मेहनत करने लगे। और 5 साल के अंदर उन्होंने अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना लिया और अपनी लंग डिजीज को हटा दिया। इसीलिए एक्सरसाइज एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जब आप अपनी बॉडी को यूज करके उसको एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दिमाग भी स्ट्रांग होता चला जाता है। अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो ये कहे कि यार ये ट्रैफिक लाइट को सिर्फ मुझसे ही प्रॉब्लम होती है, जब मैं जाता हूँ तभी रेड होता है वरना हमेशा ग्रीन रहता है, तो आप उस इंसान को पागल बोलेंगे। लेकिन एक तरीके से अगर सोचा जाए तो हम सब लोग अपनी लाइफ में यही करते आ रहे हैं। आपको ये याद रखना होगा कि जब आपको लाइफ कोई ऐसी रेड लाइट दे तो वो सिर्फ आप ही को नहीं दी जा रही, वो हर किसी को दी जाती है। लाइफ को आपसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि एक रेड लाइट का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जा नहीं सकते। उसका बस यही मतलब है कि आपको थोड़ी देर और रुकना होगा। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन अपने काम से घर वापस जल्दी आ गए। एकदम से उनकी फैक्ट्री से एक आदमी बहुत तेज भागते हुए आया और उसने कहा कि फैक्ट्री में एक आग लग गई है बहुत बड़ी। तो एडिसन का रिएक्शन थोड़ा अजीब था। उन्होंने अपने बेटे को फौरन बुलाया और उन्होंने कहा, बेटा जाके अपनी मम्मी और उनकी दोस्तों को ले आओ, उन्होंने ऐसा फायर शो कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या एडिसन पागल था, यहाँ पे उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत तबाह हो रही है और उसको मजाक सूझ रहा है। लेकिन आप ध्यान से सोचिए तो एडिसन पागल नहीं है। उनको पता था कि फैक्ट्री में अब आग तो लगी गई है और जो नुकसान होगा वो तो हो ही गया है, लेकिन रोने से और निराश होके कुछ भी नहीं हो सकता। तो एडिसन ने उस इंसिडेंट के बाद काफी ज्यादा रिकवर किया और जस्ट उसके अगले साल उन्होंने $10 मिलियन का रेवेन्यू अपनी कंपनी के लिए जनरेट किया। और इस पूरी बुक का यही पॉइंट है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो या तो आप बस बैठ के उसके बारे में रो सकते हैं या आप ऊपर उठ के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक जिंदगी दी है। और ऑथर बुक की एंड में यही कहते हैं कि आप अपनी डेथ के बारे में सोचिए। चाहे आप जितने भी बड़े प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन जाइए, यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है और आप एक डस्ट पार्टिकल से भी ज्यादा छोटे हैं, लेकिन तब भी आप अपनी लाइफ को मीनिंग दे सकते हैं। और जब आप ये याद रखिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लगती है। रायन हॉलिडे ने इस बुक के एंड में ये कहा है, What blocked the path now is the path. What once impeded action now advances action. The obstacle is the way. ये बुक मेरे लिए बहुत ज्यादा पावरफुल थी और मैं होप करता हूँ कि आपको भी ये हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है सो प्लीज सब्सक्राइब। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।